नजरबंद बांध दिया। मंदिर की पूजा बिल्कुल सफाई से होनी चाहिए और ख्याल रखना कोई अनहोनी न होने पाए। उधर देखो, मोती नगर के लोग हमारे गांव में घुस रहे हैं। रुको रुको, हमारे मंदिर में नजरबंद बंद है। पूजा होने तक बाहर का कोई भी अंदर नहीं आ सकता। हम तुम्हारे गांव में नहीं आ रहे, इस रास्ते से दूसरे गांव जा रहे हैं। बाहर जाने तो दूसरे रास्ते से नहीं जा सकता, यहीं से जाना जरूरी है। ये गवर्नमेंट की सड़क है, कोई भी कहीं से भी आ जा सकता है। तू कौन है रोकने वाला? अरे क्या कर रहे हो? अरे सोलो को सर, हम तो शांत है, झगड़ा इन्होंने शुरू किया। मेरे भाई का हाथ काटा है, बदले में 10 लोगों को काट डालूंगा। हाथ तो ढक रहे, गला काट डालेंगे। चुपचाप रहे। जो कुछ भी हुआ है वो सब इनकी वजह से हुआ है, इन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। हम क्यों माफी मांगेंगे? रुको, नजरबंद बांध दिया तो क्या सब्जी और दूध बेचने वाला गाँव में नहीं आएगा? आपस में कटने मरने के लिए भगवान कहता है? इस गाँव का आदमी वहाँ नहीं जाना चाहिए, उस गाँव की गाय यहाँ नहीं आनी चाहिए, क्या है ये सब? 4 पीढ़ी पहले तक हम सभी भाई भाई ही तो थे, अब इस तरह आपस में झगड़ा फसाद करके क्या फायदा? हम तो अलग अलग हैं, हमारा भगवान अलग है, तुम्हारा भगवान अलग है। सुजे, आदमी को धन संपत्ति घर से बाहर छोड़ देना चाहिए, धर्म जाति घर के अंदर रखना चाहिए, भगवान मंदिर में छोड़ देने चाहिए, नहीं तो आपके बच्चे ही आपकी इज्जत कभी नहीं करेंगे। भाषण मत दो, माफी मांगने की बात करो। नहीं, खून का बदला खून है। जब दोनों ही तरफ की गलती है तो कौन किससे माफी मांगेगा? दोनों गांव वालों को बोल रहा हूँ, अगर आप लोग अपना उपजाए अन्न खाते हैं और उसमें नमक मिलाते हैं तो ये सब छोड़िए और अपने अपने काम पर जाइए। नमस्ते। चलो, मजा आ गया। क्यों बेटा नारियल फोड़ रहे हो? हायर सेकेंडरी पास कर लिया? ये तो 3 महीने हो गए, आज पहली बार कॉलेज जा रहे हैं ना, इसलिए भगवान को नारियल चढ़ाया है। क्या बात है, कॉलेज जाने से पहले ही भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ नानी, धूप में क्यों बैठी हो? ऊपर नहीं जा सकती बेटा। अरे नानी, ऊपर छलांग लगाओ, नीचे पहुँच जाओगी। अबे बॉडी तो नीचे जाएगी, आत्मा ऊपर चली जाएगी। अरे चुप रहो, मैं ले चलता हूँ। आओ नानी। भगवान तेरा भला करे। क्या बात है, देख के सब। ए, अर्जुन नगर के गधों को किसने दाखिला दे दिया? मोती नगर के गधों को 2 साल पहले जिसने दाखिला दिया था उसी ने हमें भी दाखिला दिया है। ए, क्या बात है?
ये गीदड़ भक्कियां मुझे मत देना, समझ गया ना? गांव के मामले गांव में ही रहने दे, ये कॉलेज है, यहाँ मतलब अच्छा नहीं होगा। हाँ? येलो ड्रेस येलो फ्लावर। ओ भाई, क्लास में जाने के बजाय यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। नहीं, ये फूल उस पहले दिन किसी को फूल देगा क्या? एक मिनट, चल जल्दी से क्लास में आ जाना। क्या हुआ भाई, हाथ में फूल लिए? ये फूल एक लड़की का है, गिर गया था तो। वो लड़की तो नहीं? हाँ। हेलो, ये लो। ये क्या है? फूल। तुम मुझे क्यों दे रहे हो? आपका ये ना, नीचे गिर गया था। नहीं, मेरा नहीं है। सोचा ड्रेस येलो है, ये फूल येलो है तो आप ही का होगा। मैं फूल नहीं लगाती। लगाओ, अच्छी दिखोगी। क्या देख रहा है भाई? वो क्या है, फूल लड़कियों की खूबसूरती को बढ़ाता है। जरा बच के, कहीं फूल की जगह तुझे पट्टी न चढ़ जाए। मोती नगर की लड़की है, खूबसूरत लड़की है ना? सुपर लड़की नहीं है, सुसज्जित लड़की है। इधर आ तू। इतनी देर से हॉर्न दे रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? साइड नहीं दे सकते? कानून झाड़ रहा है तुम्हें साइड देने के लिए, मैं क्या खेतों में उतर जाऊँ? पॉपो करके हॉर्न बजाया जा रहा है, उधेड़ के रख दूंगा। मोती नगर पार करने तक चुपचाप मेरे पीछे चलता चल, समझ गया? चल। अब तक के हुए मुकाबले में छोटू पहलवान ने जीत हासिल की है, उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। क्या नहीं है? यह तो आ गया, वो देखो, अर्जुन नगर का शेर, पहलवानों का पहलवान, जीवन भर लड़कियों से दूर रहने वाला, ब्रह्मचर्य निभाने वाला, सभी पहलवानों का दुलारा, मास्टर बुलेट पांडे आ रहा है। अरे अरे अरे, पकड़ 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 पकड़, मुखिया देख रहा है, खुद को तो संभाल नहीं पा रहा है, गाड़ी संभाल ले। मास्टर बुलेट पांडे बुलेट खड़ी करके तैयार है, लेट चलाने में उस्ताद, मारने में तूफान, तोड़ने में पहाड़, और हाँ, कुचलने में हाथी। सीधे शब्दों में बोलूं तो जो इनसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ओए रुक जा रुक जा रुक जा, इतनी देर से लाठी क्यों घुमा रहा है? ला बेलेट, ला बेलेट। ये लो ले लो। अब देख देख देख, लट हो गया तैयार। ऐ, लाठी की लंबाई मेरे एक्सपीरियंस को दिखाती है, मेरा तजुर्बा 13 सालों का है ना, इसलिए 13 डंडों को मिलाकर इसे बनाया है। तू तो अभी अभी आया है ना, इसीलिए 5 फुट का लट लेकर आया है। हाँ, आजा, करते हैं आर पार, आजा आजा आजा। अर्रा, उस्ताद क्या बात है? क्यों बे, इतना बड़ा लठ देखकर तुझे डर नहीं लग रहा इससे? चुपचाप यहाँ से भाग जा। अरे बोल रहा हूँ ना, लाठी छोड़ दे, नहीं जाता था तू। अरे बाप रे मास्टर, मास्टर आप गिरकर बड़बड़ा क्यों रहे हो? छोड़, पहले देख अपने गांव का कोई है यहाँ? दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है मास्टर। कोई बात नहीं, फिर काम बन गया, सबको बता दे हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। ये कप कहाँ से खरीद कर? कंदू बर्तन वाले की दुकान से। क्या नाम बताया? पांडे, बुलेट पांडे। अच्छी तरह से लिखना, आप ही का नाम लिख रहा है। माँ जी, आशीर्वाद दीजिए, आपका लड़का पहलवानी में ये कब जीत कर लाया है, पता है क्यों?
इसीलिए क्या माँ, मेरे मरने से पहले एक बार तू जीत जाए, बस यही इच्छा है मेरी। ये तो इस जन्म में होने वाला नहीं है। बकवास करता है। चाचू, राजू बर्तन वाले की दुकान में आपको देखा गया तो बोल दे। इधर आ, पहली बार तू कॉलेज होकर आया है, आजा तेरी नजर उतार देती हूँ। ये ले, इसमें थूक दे ठीक से। क्यों भाभी, एक दिन कॉलेज से जाकर ये आया है तो नजर उतार रही हो? मैं पूरे साल कितने कप लेकर आता हूँ, एक दिन भी तुमने कभी मेरी नजर उतारी है? घुमाना ही है ना। क्यों देवर जी, आपने जितने पैसों से अब तक कप खरीदे है ना, उन्हीं से अगर बर्तन की दुकान खोल लेते तो अब तक आपकी शादी हो गई होती। मैं भी पड़ी हुई साड़ी और जेवर एक बार फिर पहन लेती। भाभी जी, ये बर्तन बेचना, सब्जी बेचना, घास खोदने जैसा काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मास्टर हूँ। भाई हूँ। पापा, आओ बेटा। मैथ्स के टीचर आपके साथ पढ़े थे क्या? आपका हालचाल पूछ रहे थे। अब वो तेरा टीचर हो गया है जी। एक बात सुनो, वो मोती नगर के लड़के है ना, उनसे थोड़ा सावधान रहना। ठीक है पापा। क्यों जी, बेटा अब कॉलेज जाने लगा है, उसे एक गाड़ी नहीं दिला सकते क्या? पहले ही एक को बुलेट दिलवाई थी तो वो लठ चलाता घूम रहा है कब जीतने के चक्कर में। मेरे बेटे को कब क्या चाहिए मैं जानता हूँ। भाभी, बुलेट तो दिलवा दी, पेट्रोल कब दिलवाएंगे जरा पूछो। अच्छा, बकवास करेगा तो दांत तोड़ दूंगा। इसीलिए तो पास नहीं आता हूँ, नजर रखना ये कहीं मेरे पीछे आना। आमीन आमीन। जल्दी खा लो जी, नहीं तो बाद में कहोगे खाना गर्म नहीं था। ठीक है एंजल, कॉलेज जाने के लिए बस ठीक है या मैं अपनी बाइक में छोड़ा करूं? रहने दीजिए पापा, मैं बस से जाया करूंगी। एंजल क्या हुआ? कांटा, अरे अरे थोड़ा पानी। पानी नहीं, कांटा सूखे चावल से अंदर चला जाएगा। ये लो लो, अब इसे ऐसे ही निगल जाओ बस। क्यों जी, कितनी बार कहा इसे बिना कांटे वाली मछली दिया करो, नहीं दे सकती क्या? अब क्या है, बिना कांटे वाली मछली तो शहर से ढूंढ के लानी पड़ेगी ना। क्यों री, भैंस जैसी हो गई है, कांटा निकाल कर मछली नहीं खा सकती क्या? हाँ ठीक है, तुम जाओ। एंजल उठकर क्यों जा रही हो? रुको मैं कांटे छाट कर देता हूँ। ये लो खाओ। बहन जैसी है, छेड़ते हुए शर्म नहीं आती? ये लोग तुमको नहीं छेड़ रहे, चलो जाओ। ए चुपचाप चल यहाँ से। ए उधर देख, अर्जुन नगर वाले कितनी शांति से बैठे हैं। जानती है वो मारधाड़ फिल्म है और ये सद्भावना फिल्म। हमारे गांव के लड़के अर्जुन नगर वालों को देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे गांव वालों को भले लोग पसंद ही नहीं आते। ए मत देख मत देख, मोती नगर वालों ने देख लिया तो आंख निकाल डालेंगे तुम्हारी। अरे वो बोलेगी नीले ड्रेस पे नीला रुमाल नहीं रखती, होगा तो मांगेगी। लड़कियों के हैंकी लेने से रिलेशनशिप कट हो जाता है ऐसा कहते हैं। जिनका रिलेशन होता है उनके लिए, जिनका नहीं होता है बन जाता है। एक मिनट, देखो वो रुमाल मेरा है। आपका रुमाल? सोचा ब्लू ड्रेस ब्लू रुमाल आपका नहीं होगा। नहीं वो मेरा ही है, मेरा नाम भी लिखा है देखो। नाम लिखा है? MAD, मतलब पागल हो? नहीं नहीं, M for Michael Susan, A for Angel, D for Devi। सॉरी यूज कर लिया, धो कर देता हूँ आपको। रहने दो। नहीं धो देता हूँ ना। ये लीजिए एंजल देवी, एंजल मतलब परी, एकदम सही नाम रखा है। क्या मतलब? वो नीला रुमाल वाकई उसका था। ध्यान रखना भाई, कहीं रुमाल की जगह रिवाल्वर ना निकल जाए। ए।
T4 थप्पड़। और कौन टिकट लेगा? ए, गेट पर क्यों खड़ा है? ऊपर किधर जाना है? मोती नगर जाना है। अरे चुट्टा नहीं है भाई, सब 10 का ही नोट देंगे तो मैं कहां से लाऊंगा चुट्टा? ए आगे आओ आगे, पीछे क्यों खड़ा है? ए देख शक्ति का ग्रुप। ए देख वही देख रहा है। ये बहुत ही डिसेंट लड़का है, इसने मेरा रुमाल इस्तेमाल किया था तो धोकर वापस किया। उसके पिताजी भी बहुत अच्छे हैं। मेरी बहन की शादी में ना गहने बनवाने के लिए 35,000 रुपए उधार दिए थे। ओए मास्टर आ गए, मास्टर आ गए। चुपचाप बैठा देखेंगे तो चिल्लाएंगे। लाठी उठाकर घुमा सब लोग जल्दी। ए सुन, तू ये वजन उठा ले। ये चाय वाला बकरी की, भैंस की, गाय की, ऊंट की, हर किसी के दूध की चाय बनाकर दे सकता है। कुछ ना मिला तो अरंडी के दूध की बनाकर दूंगा। मारूंगा मास्टर। गरीब आदमी समझ कर तुझे दुकान खोलने के लिए जगह दी तो मेरे ही लोगों को अरंडी का दूध पिलाएगा? अब तू यहाँ नहीं रह सकता। ए, इसका सामान उठाकर बाहर फेंक दो और दुकान खाली करो। मास्टर वो प्यार से बोल रहा है। तुझसे प्यार कौन मांग रहा है? मास्टर क्या कर रहा है तू? डंबल से बाहें मोटी होनी चाहिए, तेरी तो पतली होती जा रही। क्या कर रहा है तू? मास्टर ठीक से कर। तू लठ कैसे घुमा रहा था? लठ अगल बगल जाने चाहिए पर तेरी ऊपर की जा रही थी। तू कभी नहीं सुधरने वाला, इससे बाद में निपटता हूँ। ए तू इधर आ जरा, ये कैसे वेट उठा रहा है? देख जरा कैसे उठा रहा है ये। उधर देख मेरी पहले की तस्वीर, एक एक कटिंग किस तरीके से बाहर उभरी हुई है। सच में सीखे रहा है यार, कलाकार का कमाल है। 300 रुपए देके बनवाए थे इसने। तुम लोगों पर चिल्ला चिल्ला कर मैं गल गया। वेट उठाएंगे ये वेट। चल पकड़े, सिखा सिखा के थक गया इन्हें। इन गधों को पता नहीं कब अकल आएगी। हाला बड़ा, और जब बोलूं तब छोड़ना। अभी पकड़े रहे, पकड़े रहे अभी। हाँ अब छोड़ दे, देखते हैं। जी ठीक है, कह दूंगा। तो फिर? जी ठीक है। ए डेविड अच्छी तरह से बांध दे और थोड़ा संभाल कर रख। देखो बैलेंस कर क्या है। दूसरे धर्म के लोग चर्च के अंदर नहीं आ सकते। जोसेफ ये बोर्ड तुमने चर्च के सामने क्यों लगाया है? कोई भी भगवान किसी को भी अंदर आने से नहीं रोकता, पता है ना? ए ये सब भाषण अंदर जाकर देना, जाओ। ठीक है मैं तो चली जाऊंगी, तुम पहले ये बोर्ड हटाओ। तो मेरी चचेरी बहन हो वरना लगाता कान के नीचे। चल रुक जाओ, मैं अभी फादर को बताती हूँ। ठीक से बंद किया ना? ये यहाँ से सही दिखेगा। चाचा जी ने लगाने के लिए कहा था। जी फादर। उन्होंने भी तो मंदिर में ऐसा ही लिख रखा है। एक बात जानते हो, उस मोती नगर में धर्म का मतलब जानने वाली सिर्फ एक ही है। कौन है? हमारे कॉलेज की एंजल। संभल कर बेटा, उसका बाप उड़ाने दे तुम्हें। मैंने मजाक में कहा था। मजाक कर रहा था। जरा वहाँ बस स्टैंड में देख। देख सद्भावना फिल्म। चलो कॉफी पीते हैं। ठीक है। ए, हमें यहाँ खड़े देखा ना, इसलिए चाय की दुकान पे रुक गए हैं। वहाँ बड़ा मजा आया ना। ये लो मारधाड़ फिल्म आ गई। ठीक है चार चाय देना। ए क्या कर रहा है? इनके लिए कॉफी बना रहा हूँ। सीनियर्स के लिए चाय बना, उसके बाद में जूनियर्स के लिए कॉफी बनाना, समझ गया ना? फिर शुरू हो गया। इस जोसेफ को तो झगड़ा किए बिना खाना ही हजम नहीं होता। ए, पहले पैसे देने वाले को पहले कॉफी बना के दे। ए, इसका मतलब हम लोग फोकट में पीते हैं क्या? एक दूंगा तो झबड़ा हिल जाएगा। सीनियर जूनियर ये सब कॉलेज में है, कॉलेज की बात कॉलेज में रख, यहाँ लाएगा तो अच्छा नहीं होगा। तू बहुत बड़ा गुंडा है। चुपचाप बैठ के चाय पी। जोसेफ देख लेंगे। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? नहीं चाचा जी चाय पीने के लिए आए थे। पढ़ने लिखने वाले होकर के यहाँ पे बैठ के चाय पी रहे? भागो यहाँ से।
कैसे हंस रहा है रे? क्यों यार, चाय दुकान पर चाय पीने के अलावा कर क्या सकते हैं? इनके भरोसे तो उस बेचारे ने वहाँ दुकान लगा रखी है। अरे भाई, चाय दुकान पर चाय पीने पर ये हाल है तो कॉलेज में प्यार करने पर क्या हाल होगा? कंट्रोल में रह। सही है ना? अरे बचा रे, बढ़ गया, गिर गया। ए, देखो गिर गया उसे। अरे क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे किसी ने मुझे धक्का दिया? कौन था बे? कौन था जिसने धक्का दिया? कौन था बे? नीचे आ। ए, मैंने नहीं दिया था। क्या हुआ? हुआ क्यों धक्का दिया बे? क्यों दिया बोल? ए, ए, धक्का नहीं दिया था तो बस से टकरा के मर गया होता। ए, धक्का देकर बोल रहा है, बचा रहा था। फिर से दोनों गांव के बीच झगड़ा ना हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो यही हड्डी पसली एक कर देता। ए, मारधाड़ फिल्म सद्भावना बन गई और सद्भावना मारधाड़। उसी साइकिल से उसकी वाट लगाता हूं, देख। ए विल्सन, तू ही जीते का चिंता मत कर। जाएंगे पर लौट नहीं पाएंगे, उनकी वार्ड लगाने के लिए आदमी सेट कर रखे हैं मैंने। बात है भाई, अपना शक्ति इतना पीछे पीछे आ रहा है, ये लगा के चल रहा है। आगे जाने वाले की जब सांस फूल जाएगी तब ये उन सबसे आगे निकल जाएगा। ये देख भाई, मेरा सद्भावना फिल्म जा रहा है। भाइयों, हमारे गांव वाले ही पहले हैं, चलो इन लोगों की नजर उतारते हैं। चलो जाइए जाइए। देखो चलो चलो, अभी पकड़ता हूँ तुम लोगों को। ये लो भाई, अभी लो भाई, अभी लीजिए भाई। एक 10 की गोलियां मिला दी मैंने।
मुझे मारने के लिए तूने जिनको सेट किया था उनकी हड्डियां टूट गई है। जल्दी हॉस्पिटल लेकर जा, इलाज करवा। हाँ? हाँ? हाँ ठीक है तू जा, मुंह नीचे है फिर भी बकबक किए जा रहा है। क्यों बे भूतनाथ? हाँ? तू भगवान के गाने चला रहा है? हाँ? कोई मुसलमान भाई चाय पीने आ गया तो क्या करेगा? उसका आइडिया है ना। अच्छा अगर कोई फादर पीने आ गया तो क्या करेगा? तो दूसरा आइडिया है। तीनों एक साथ आ गए तब क्या करेगा? ए मास्टर, मेरी दुकान चलती हुई अच्छी नहीं लग रही है क्या? तुम अगर ऐसा करवाते रहोगे तो मेरी दुकान खाली हो जाएगी। अच्छा, तो तेरी दुकान ऐसे ही खाली हो सकती है? और कोई रास्ता नहीं है क्या? कैसे खाली करवाओगे? चल दिखाता हूँ। क्यों भाई, ये नगाड़ा बड़ा है या ड्रम बड़ा है? पूछने की क्या बात है, नगाड़ा ही बड़ा होता है। मरने के बाद शमशान तक आदमी को पहुंचाने के लिए जिसका सहारा मिलता है वो यही है। सही कहा। ये नगाड़ा बड़ा है, नगाड़ा बड़ा है। रुको 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 रुको, ऐसे बहस करते रहोगे तो पता कैसे चलेगा? अभी बजा कर चेक कर लो कि कौन बड़ा है। अरे अरे ये हुई ना बात। अरे मेरी दुकान क्या कह रहे हो? क्या समझता है? मैं तुझे भी दिखाता हूँ। अरे थोड़ा तुम्हारा ये क्या कह रहे हो? अरे यार बाल लेती है मुझे। मेरी दुकान खाली तेरे बैंड में जाओ। कहा था ना दुकान खाली हो जाएगी, अब उनके लिए कौन सा गाना चलाएगा तू? यहाँ देख। हाँ जहाँ छोटी छोटी बात पर मार काट हो जाती है वहाँ देश के नाम पर सब शांत हो जाते हैं। ये देखो, बस यही तो एक एकता है जिसकी वजह से कोई भी देश हमारा वंदे मातरम वंदे मातरम लिया ना। हाँ, तूने कर लिया। सत्या, चप्पू चलाओ तो नाव बढ़ती है, पैडल चलाओ तो साइकिल चलती है। तू क्या कर रहा है? वेट कर रहा हूँ, वो कुछ गिरा कर जाएगा, उठा कर दे दूंगा। क्या छोड़ कर जाएगी? चाहे तो गले की चेन उतार कर दे दे, कह देना नीचे पड़ी हुई थी। क्या अपनी चेन? अब यार 3 तोले की तो तुम्हारी चेन है, वो कौन सा रखने वाली है? कम से कम बात तो कर लेगा। एंजल, मैंने नोटबुक उसको। ये चेन जमीन पर पड़ी थी, तुम्हारी? दे दे दे, इधर दे। ये चेन? हाँ इसी की है, तुमने कहा था ना चेन खो गई है। चलिए रख ले, चलो अब। चल 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 चल। यार चेन तो गई, भागले पर तो मेरी गर्दन भी चली जाएगी। पर ये मेरी नहीं है, जानते हो शक्ति की है। देख इस पे SVB लिखा हुआ है। ये देना। फिर तूने क्यों लिया? दरअसल वो इस चेन के बहाने उससे बात कर रहा था, इसलिए रख ले। लेकिन अब क्या करूं, दिमाग क्यों खराब करती है? तो दे देना। चलो रहने दे, मेरी बात मान, मधुमक्खियां उड़ी तो सब पे चिपक जाएंगी। पर आसपास कोई है कहाँ? अमावस्या है ना, आज छोड़ दिया तो सारा रस पी जाएगा। मत मान, जो करना है कर, बाद में मुझे मत कहना। तो जाना, कौन रोक रहा है? कौन समझाएगा?
एंजेल जी पापा, आज प्रचार के लिए जाना है, याद है ना? जी, कल ही सबको बता दिया था पापा। गांव भर में अकेला मास्टर हूँ पर कोई इज्जत नहीं देता। मुझे भी कोई इज्जत नहीं देता। तुझे क्यों देगा? मैं भी मास्टर हूँ। कैसे? आप लाठी के मास्टर हो तो मैं टी मास्टर क्या करता है? ए पांचाली, क्या है? नागपुर शहर जा रही हो क्या? जेल में जा रही हूँ, चलेगा क्या? वहाँ कौन जाएगा? वो बुला रही थी तो गए क्यों नहीं? कल ही वो अपने पति के मर्डर केस में जेल से बाहर आई है, मुझे क्यों फंसा रहा है वहाँ? ए भतीजे, क्या बात है चाचू? साइकिल का कैरियर क्यों निकलवा रहा है? जिसे देखो लिफ्ट मांगता रहता है, इसलिए कैरियर ही निकलवा रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है। अच्छा सुन, तू बस आसपास घूमता रहता है, ये नहीं कि यहाँ आकर इनकी तरह लठ घुमाना सीख ले। अच्छा रहेगा ना, जब बाहर के चार लोग तुझे घेर लेंगे तब खुद को बचा तो पाएगा। वो सब जानता हूँ चाचू। ये देखो, लठ घुमाने का मतलब ऐसे इधर उधर घुमाना नहीं होता। किसी ने कुछ फेंक कर मारा तो ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, इसे कहते हैं लठ चलाना। आप लठ दीजिए। शक्ति, तू चला के दिखा। वाह क्या बात है, ये तो बड़ी स्टाइल से घुमा रहा है। देख देख, बड़ा अच्छा चला रहा है। अच्छा चला रहा है, अभी टेस्ट लेता हूँ। एक पत्थर उठा। ये लो मास्टर। क्या रे, मेरे भतीजे के साथ दुश्मनी है जो इतना बड़ा पत्थर दे रहा है? सॉरी। ये लो खाली नारियल। वेरी गुड। अब देख। मर गया। मास्टर आप ठीक तो हैं? अब तो देख लिया घुमाना आता है कि नहीं। इसका लट चलाना देखकर ऐसा लगता है किसी अच्छे मास्टर से सीखा है इसने। सुन, वो अच्छा मास्टर मैं ही हूँ। मैं तो नहीं मानता। नहीं मानता? मैंने अगर घुमाना शुरू किया तो हवा बाहर नहीं जा सकती, बारिश का पानी अंदर नहीं आ सकता, इतनी तेज घुमाता हूँ। मतलब अगर आप लट घुमा रहे हो तो कोई भी चीज आपको छू नहीं सकती। देख कर देख, खुद पता चल जाएगा। देख क्या रहा है, कुछ भी फेंक 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 फेंक, जल्दी कर। ये तो मास्टर फेंक दिया। अरे परी को देखने के लिए भाग रहा है। चलो बस स्टॉप आ गया, उतरो जल्दी जल्दी। भाई उतर उसको, नोट भी कंप्लीट करने हैं। वो आज नहीं आएगी। उड़े तरह पड़े, वो कहाँ होगी? विजयनगर गई है। चाहे कोई मुसीबत हो, चाहे कैसे भी सुख दुख हो, यीशु साथ हमेशा रहे, सदा रक्षा हमारी करे। दूर रखे दुनिया से बुराई, सदा सबका भला करे, प्रभु सब पे बनाए अपनी कृपा, सदा रक्षा हमारी करे। आता है वो द्वारे सबके चल कर, सबकी झोली वो सुख से भरे, सबकी झोली वो सुख से भरे। चाहे कोई मुसीबत हो, चाहे कैसे भी सुख दुख हो, यीशु साथ हमेशा रहे, सदा रक्षा हमारी करे। दूर रखे दुनिया से बुराई, सदा सबका भला करे, सबकी झोली वो सुख से भरे। आज के टीचर ने नोट्स दिए हैं, एग्जाम्स के डेट भी करीब आ गए हैं, और शक्ति तेरे बारे में पूछ रहा था। उसे मैंने देखा था। कहाँ देखा? विजयनगर में। शायद चेन लेने आया होगा। दे दी क्या उसे? नहीं, पर दूंगी। अगली बार आओगे तो सब हो जाएगा ठीक। सुजय, सुजय कौन है? कौन है? दोनों गांव की समस्या कलेक्टर के सामने हल हो गई थी। अब भीड़ में किसने किसको मारा ये तो कोई नहीं जानता।
अभी एक बात बताओ, इन दोनों के ऊपर हाथ काटने का केस दर्ज कर दिया गया है। अब ये घर से कोर्ट का चक्कर काटते फिर रहे, इनका काम भी बंद है, ऊपर से घर वाले अलग से परेशान हैं। मेरा कहना है आप केस वापस ले लीजिए तो सब ठीक हो जाएगा। सीधे हाथ को कटवा कर उल्टे हाथ से खा कर देख, तब पता चलेगा तुझे। ए, ये तो तेरी किस्मत में लिखा था। शांत रहिए, चाहे जो भी कह लो, दोनों को 5 साल की जेल कराए बिना नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल सही कहा। क्या बात कर रहा है, एक नंबर का चिरकुट है यार। ऐसा ही देखता रहता है। ए देख ना, क्या जानता है। अभी चल 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 चल, लीजिए आपकी चेन, कल दे नहीं पाई थी। कल चेन के लिए नहीं गया था वहाँ, तुम्हें देखने के लिए गया था। तुम्हें देखने का मन कर रहा था। एक मिनट रुको, अपने मन की बात बताना चाहता हूँ। पहली बार देखा तो खूबसूरती को जाना, दूसरी बार देखा तो तुम्हारी अच्छाई को जाना, उसके बाद जब भी देखा तुमसे बात करने का मन किया, पर जब से तुम्हें छुआ है तुम्हारे साथ जीने का मन कर रहा है। माँ को छूकर ममता जागती है, पिता को छुओ तो इंसानियत, दोस्तों को छुओ तो साहस बढ़ता है, पर तुम्हें छूने के बाद सब कुछ जैसे एक साथ मिल गया है। तुम्हें चाहता हूँ एंजल। शाम को खेतों के बीच वाले बस स्टॉप पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हें बस से उतर कर आना होगा। जल्दी चला भाई, जल्दी चला। ड्राइवर थोड़ा रुक के चला भाई, सबकी टिकट काट लो। मैं एक सीतापुर देना। अरे कॉपी उठा ली हो तो चलो आ जाओ। बड़ा भाई, अरे बाप रे, उसके जाने के अंदाज से लग रहा है कि सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लेगी। क्या हुआ, क्या बात है, वो कहाँ है? क्या कर रहे हैं? देखिए, अरे सुनिए, मुंह से आवाज ही निकलनी चाहिए। क्या हुआ शक्ति, चिल्ला क्यों रहा है, क्या हुआ? कुछ नहीं चाचू, बहुत बुरा सपना था। सपना देखा और बुरा? मोतीनगर के सूजे ने आपका गला काट दिया। वो मेरा गला क्यों काटेगा? उसकी लड़की से प्यार का इजहार करूंगा तो वो गला काटेगा। गला तेरा काटना चाहिए, मेरा क्यों काटेगा? कहा ना बुरा सपना था, छोड़िए। सपना भले ही था लेकिन इंसाफ तो होना चाहिए। चुपचाप सो जाइए। हाय हाय, लोग कहते हैं सुबह के सपने सच होते हैं, अब मैं क्या करूं, कुछ दिनों के लिए घूमना फिरना बंद। मास्टर बोला, आपसे मिलने के लिए माइकल सुजे ने 2 आदमी भेजे हैं। माइकल सुजे मुझसे मिलने के लिए क्यों भेजेगा? वो तो पता नहीं लेकिन देखने में हट्टे कट्टे हैं। वो देखो सामने बैठे हैं। ए यही है हमारे मास्टर। मैं मास्टर हूँ, उन्होंने तुमसे पूछा क्या? अरे वो पूछ रहे थे कि मास्टर कौन है। अरे बाप रे, क्या लगता है मेरे भतीजे का सपना सच होने वाला है। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं चाहता। मेरा सुजैन का कोई झगड़ा नहीं है, मेरे भतीजे शक्ति से ही उसे परेशानी है। अब जो भी है उसके पास जाओ। मास्टर हमें हथियार चलाना सिखाइए। तुम्हें हथियार चलाना सिखाऊं मैं? मास्टर भेजा है तुम्हें? ऐसी बात है मास्टर, आपसे हथियार चलाना सीखने के लिए साइकिल सुजैन ने आपके पास भेजा है। हमें साइकिल सुजैन ने? तुमने तो माइकल सुजे का नाम लिया था। सारे मास्टर, जुबान फिसल गई थी, सा की जगह माँ गलती से निकल गया था, छोड़िए ना। तू कौन है ये साइकिल सुजे? टूटे फूटे साइकिल के पंचर जोड़ने वाले बेवकूफ के कहने पर तुम लोग यहाँ हथियार चलाने सीखने आ गए? नहीं सिखाता तुम्हें, जाओ। जैसा कहा वैसे ही जाके कह दे। हाँ कह देना, ऐसा ही जाओ, जाओ यहाँ से। देखने पर तो हाथी के जैसे लग रहे हैं लेकिन आवाज तो बिल्ली जैसी है। क्या कह रहे उसने? बहुत बुरा भला कहा। मेरा नाम नहीं बताया उसको? आपका नाम बताया तो और बुरा भला कहा। ए, मेरा नाम है सुसे, खाता हूँ मैं पैसे, भर दूंगा उसमें भूसा।
टायर पंचर हो गया लगता है। वैसे ही देर हो रही है, नहीं पड़ेगी। अब कैसे घर पहुंचेंगे? बीच में ही रुक गए, अब हम क्या करेंगे? यहाँ से कॉलेज भी नहीं मिलेगी। ऐसे लाओ, चल के जाएंगे और क्या, पैदल ही जाना पड़ेगा। क्या वो शक्ति, तू सुस्त दिख रहा है। कुछ नहीं यार, एंजल ने जवाब नहीं दिया इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है यार, वो तो तेरे चेहरे से ही दिख रहा है। अगली बस एक घंटे बाद आएगी, पेपर का टाइम ना निकल जाए। घबराओ मत, हम टाइम पर पहुँच जाएंगे। चलो चलो जल्दी करो। क्या हुआ, बस यहाँ क्यों रुकी हुई है? अरे हाँ, कॉलेज की लड़की लोग कैसे गई होगी? ए सद्भावना फिल्म आ रही है, कॉलेज तक इनकी साइकिल पे चले? नहीं नहीं, पैदल ही चलते हम लोग, पहुँचने में एक घंटा लगेगा। किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। देख लिया तो क्या, हम लोग कॉलेज ही तो जा रहे हैं। ए शक्ति, ए एक मिनट जरा रुको, बस खराब हो गई है, हमें कॉलेज तक छोड़ दो। शक्ति छोड़ देते हैं ना। ए तू चुप रह, अगली बस आएगी ना, तुम लोग उसमें चले जाना। अरे तब तक तो एग्जाम का टाइम निकल जाएगा। हाँ चलो चलो, आजा आजा। हाँ आजा आजा, हाँ बैठो, चलना जल्दी चल। बैठो बैठो, संभाल के बैठना। एंजल चलो ना, इसने तो जिद ही पकड़ ली है, पहले से लेट हो चुके हैं, चलो जल्दी करो। अरे एग्जाम का टाइम हो रहा है। ए सुनती क्यों नहीं, जल्दी आना। बस बस यही रोक दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ठीक है ठीक, ओके ओके बाय। चलो तैयार हो जाओ, बस आ गई। कॉलेज पढ़ने के लिए भेजो तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला के आ रही है। तुझे बताती हूँ, हमारी मिला दी लड़कों के साथ साइकिल में घूमने के लिए, अपने गांव की लड़की के साथ ले लिया तू चलता, लेकिन आज नगर के लड़कों के साथ घूम कर आ रही है। मैंने क्या किया, पढ़ने के लिए भेजा था, उन बदमाशों के साथ आवारा गर्दी करने के लिए नहीं। तेरी इतनी हिम्मत, उनके साथ साइकिल पर, ये सब तेरी दिल का नतीजा है। तुझे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, मामा की साइकिल पर नहीं जा सकती थी क्या? मामा को छोड़ दिया साइकिल वाला, मिल गया तो चलेगी, बाकी मिलेगा तो वापस नहीं। जैसी बेटी ना हो तो ज्यादा बेहतर है, कहीं गए नहीं छोड़ा हमें, चुल्लू भर पानी में जाके डूब मर। तेरी इतनी हिम्मत, घर के काम करवाने की बजाय मैंने तुझे कॉलेज में पढ़ने भेजा और तू साइकिल पे घूम रही है, सब मेरी गलती है, मेरी गलती है। बस खराब हो गई थी माँ। खराब हो गई थी तो दूसरी बस नहीं थी, पेपर का टाइम हो रहा था माँ। सुनिए जी, निर्मला ने जहर खा लिया। क्या किया तूने बेटी? निर्मला ने जहर खा लिया। क्या कह रहे, हमारे साइकिल में गए थे इसलिए उनके घर वालों ने उनको पीटा, इस बेइज्जती से उसने जहर पी लिया। वो तो अच्छा हुआ बच गई, वो इसलिए क्योंकि टाइम पे अस्पताल ले गए। हाँ वो तो है। ये यहाँ, ये जिंदा है या मर गई है देखने के लिए भाग यहाँ से। अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो चला जाए यहाँ से। देखिए अगर उस लड़की को कुछ हो गया ना तो उसकी वजह हम बन जाएंगे। ए, मेरी बेटी जी है हमारे, तुम्हें उसे क्या करना है, तू निकल जाए यहाँ से। क्यों शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? उन्होंने ऐसी क्या गलती की थी? मुश्किल में फंसी थी इसलिए हमारे साथ आई ना। हम लोग क्या मौज मस्ती कर रहे थे, कॉलेज ही गए थे ना। हम ना धर्म जाति जानते हैं, ना गांव की सीमा जानते हैं, हम बस साथ में पढ़ने वाले कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। हमारे मन में ऐसा जहर डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? यहाँ भाषण देने के लिए आया है, तेरी इतनी हिम्मत की तू यहाँ हमारे गांव में आ जाए? छोड़िए, आप क्यों धक्का दे रहे हैं मुझे, क्या किया है मैंने? क्यों, क्योंकि ये मोती नगर है। तो फिर मैं यहाँ आ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता? क्यों है आप लोग ऐसे, आपकी बेटियों पर हम जितना विश्वास रखते हैं आप क्यों नहीं रखते? शर्म आनी चाहिए। आप एंजल के पिताजी है ना, इसलिए छोड़ रहा हूँ। क्या क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तुम्हें? अरे शांत रहिए, कल का लड़का गांव में घुसकर मुझे भाषण दे रहा है, काट डालूंगा इसे तुम्हें। ए वो देख आ रहा है। तू कल मेरे गांव में घुसकर चाचा जी के सामने भाषणबाजी कर रहा था ना? वो कल की बात थी, कल ही खत्म हो गई। फालतू में परेशान मत कर, रास्ता छोड़। ए, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, अभी उसका बदला लेना बाकी है। रहने दे जोसेफ, ला दे।
सबको मार रहे हैं। तू एंजल का भाई है इसलिए छोड़ रहा हूं, वरना क्या हुआ? कहां जा रहे हैं आप? किसी ने रास्ते में तुझे मारा था ना? किसी ने मुझे नहीं, मैंने किसी को मारा था। पर पहल तो उन्होंने ही की थी ना, मोतीनगर के लड़के हमारा रास्ता क्यों रोकेंगे? यहाँ के लोगों ने चूड़ियां पहनी है क्या? अगर उन कमीनों के हाथ पांव नहीं काटे तो मैं तेरा चाचा नहीं। चलो भाइयों, क्या कर रहे हैं आप लोग? आप इधर छोड़, मेरा आइए मेरे साथ छोड़। चाचू आप कुछ करेंगे तो एंजल मुश्किल में पड़ जाएगी। उसकी मुश्किल से हमें क्या लेना? वो आपके घर की बहू बनने वाली है। ये क्या कह रहा है? सच कह रहा हूँ चाचू, मैं एंजल से प्यार करता हूँ। कहा था कि सपने में प्यार करता हूँ, हकीकत में भी। उसे कुछ हुआ तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। समझने की कोशिश कीजिए। आज दोनों गाँव के बीच फिर झगड़ा हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका कारण तुम ही हो। क्या मतलब? शक्ति से जोसेफ ने झगड़ा किया था ये जानकर उसके चाचा गांव के लोगों के साथ लाठी चाकू लेकर यहाँ आ रहे थे। शक्ति ने उनसे कहा कि वो तुम्हें प्यार करता है, वो तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, इसीलिए वो सब यहाँ से लौटकर चले गए। फैसला कर लिया? मन बना लिया है अपना? बना लिया। अगर घर में कुछ प्रॉब्लम हुई तो? शक्ति पर मुझे पूरा भरोसा है। हाँ वो तो है। एक जीरो कम पड़ गया। क्या बात कर? हाँ। शक्ति भाई, लगता है एंजल तुम्हारा ही वेट कर रही है। चल भाई हम लोग चलते हैं। हाँ चल।
अच्छे लगते हो, पर मुझे डर सा लग रहा है। गांव वालों का डर है क्या? मेरे पापा है ना, वो संभाल लेंगे। अगर अपने पापा से डर रही हो तो मैं हूं ना, और मेरे परिवार से डर रही हो तो मैं तो एक लौता लड़का हूं। मेरे बाद सब तुमसे ही प्यार करेंगे, या फिर ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। मेरा विश्वास करो एंजल, आज मैं तुमसे जितना प्यार करता हूं मरते दम तक उतना ही करता रहूंगा। पीला फूल, पीली चूड़िया। जरा कार रोको यहां। नमस्ते फादर। ठीक हूं फादर, आप कहां जा रहे हैं? मैं उसी रास्ते से जा रहा हूं, आपको छोड़ देता हूं। फादर कहां जा रहे हैं? फादर मैं भी वहीं जा रहा हूं, आ जाइए। कुएं का पानी कुएं में और तालाब का तालाब में ही रहना चाहिए, आइए। ऐसा कुछ नहीं होगा फादर, बैठिए। कोई बात नहीं फादर, आप इनके साथ चले जाइए। तालाब का, नदी का, कुएं का और समंदर का सभी पानी ऊपर वाले की बारिश की ही देन है। ताकत में, हिम्मत में, बल में, दम में, खम में और जोर लगाने में मेरा कोई जोर नहीं। दुम कान है बे? अच्छा तो तू है साइकिल सुजे? यहां किसी का पंचर नहीं हुआ है, जा कहीं और आवाज लगा। तेरी बातों से लग रहा है कि तुझे एक ही डायलॉग आता है, वही तू बार बार दोहराता है। मुझसे तुझे क्या चाहिए ये बता। नहीं सिखाए तो क्या करेगा? मैंने पहले ही कह दिया था कि यहां कोई पंचर वंचर नहीं है। लोग बहुत देर से बकबक कर रहा था, अभी ने डायलॉग सुना अपना। ये क्या हुआ? सारे के सारे गायब हो गए, लेकिन ये कमाल हुआ कैसे? चौंकने की बात नहीं है मास्टर, आप नंबर वन फेंकू हो ना, और वो नंबर टू फेंकू। अच्छा मैं नंबर वन हूँ? और ये फेंकू क्या होता है? जैसे आप बिना लट चला अपने आप को मास्टर कहते हैं ना, इसी को फेंकू कहते हैं। रुक रुक अभी तुझे बताता हूँ। रास्कल ज्यादा ही बोलने लगा है ये चाय वाला, मेरी हर चीज जानने लगा है ये। मैं सीतापुर अपने वकील से मिलकर आता हूँ। आप इतनी दूर जा ही रहे हैं तो आते वक्त एंजल को उसके कॉलेज से साथ लेते आइएगा। ठीक है। और अकाउंट्स? अकाउंट्स तो मैंने कर लिया। और तूने? मुझे भी नोट्स देना, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आओ। क्या? आओ तो। ठीक है आती हूँ। क्या बात है शक्ति? वो मैंने एक मन्नत मांगी थी, तुम मिल जाओगी तो मैं मंदिर जाऊंगा। मंदिर जाओगे? और हाँ ये भी कहा था कि तुम्हें भी ले जाऊंगा। ठीक है। अरे अल्बर्ट जी, ऑफिस जा रहे हो ना? हाँ जी। तो ये टेलीफोन बिल भर देना। गांव जा रहे हो ना? मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं जेम्स, मैं कॉलेज से अपनी बेटी को साथ लेकर। ठीक है भाई। ओम तन्नो मित्रो प्रजोयदः कर्पूर नीलांजन जोपन समर्पयामि इदं श्रद्धां भवतो भवतो सत्पुरुषाय धीमहि तन्नो देव प्रजोयदः। आरती ले लो बेटा, ये लो। ये क्या बेटी, माथा सूना है? कम से कम बिंदी तो लगाई होती। चलो टीका लगा लो।
लगा लो बेटी। लाइए पुजारी जी, मुझे दीजिए। ए, एंजल के पापा खड़े हैं। क्या हुआ एंजल, कहाँ रह गई? गायत्री की तबीयत खराब है, वो सीतापुर में उससे मिलकर उसके बाद घर चली जाएगी। ठीक है, मैं वहीं से उसे ले जाऊंगा। दुर्गा दुर्गा दुर्गा, एंजल के पापा आए थे उसे लेने, हमने कह दिया गायत्री के घर गई है, जल्दी जाकर शक्ति को बता दो। शक्ति मुझे टीका लगा दो। एंजल, मैंने तुम्हें मंदिर लाने की मन्नत मांगी थी, तुम्हें टीका लगाने की नहीं। तुम अपने धर्म पर टिको, मैं अपने धर्म पर रहूंगा, बस। कोई बात नहीं, तुम लगा दो। अपने दिल से कह रही हूँ शक्ति, लगाओ। हाँ? जल्दी चलो। हाँ। एंजल, एंजल जाओ, एंजल। अंकल एंजल तो यहाँ। पापा हाँ? आ जाओ घर चलते हैं। आती हूँ पापा, तुम्हें बाद में बताऊंगी, चलती हूँ। वो टीका, एक लोटा पानी लेकर आओ, जाओ। पानी से दो, अपना चेहरा धोकर अंदर आओ, हटो। बाइबल उठाओ, अब इसका 259वां पन्ना खोलो, उसमें 52वां अधिकार और 11वां वाक्य पढ़ो। जो पवित्र नहीं है उसे मत छुओ, दूसरों की वस्तुएं बर्तन आदि छू जाने पर स्वयं को पवित्र करना आवश्यक है, यही एक ऐसा उपाय है जिससे बुरी आत्माओं से बचा जा सकता है। आमीन। आमीन। गायत्री के घर जाना गलत नहीं है, गलत ये है जो देवस्थान जाते हैं वो ऐसी गलती नहीं करते, अब दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया।
क्यों शक्ति, क्या हुआ? बेल जा रही है पर कोई उठा नहीं रहा है, कुछ हुआ तो नहीं होगा? आज संडे है, उसे चर्च लेके गए होंगे ना। सही कहा। परलोक की प्राप्ति के लिए भूमि पर रहते हुए हम जो कार्य करते हैं, जैसा कि हमें परम पिता ने बताया है कि जो हमारे विरुद्ध कार्य करते हैं हमें उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं और हमारे विरुद्ध कार्य करने वालों को भी हम क्षमा कर देते हैं। हमें परम पिता से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें अपवित्र आत्माओं से बचाएं। आमीन। अर्जुन नगर के शक्ति से मिलना है, बैरियर हटाओ। जिस किसी से भी मिलना हो, कॉलेज छूटने के बाद ही मिल सकते हो। ये 5 रुपए रख और जाने दे। ये 10 रुपए रख और भाग जाओ। किससे भागने की बात कर रहा है? ये मास्टर है, मास्टर इसे सबक सिखा दो और यहीं पर लेट चलाकर अपना टेंट गाड़ दो। इतने बड़े कॉलेज के सामने हम टेंट कैसे गाड़ सकते? नहीं गाड़ सकते, आप में इतनी औकात है आप इस कॉलेज के सामने टेंट ही नहीं इसके सामने दूसरा कॉलेज बना सकते हो। शुरू करो। ऐसा? हाँ। तो देख, ला वो लठ मुझे दे। मास्टर को चैलेंज किया है इसने, अभी बताता हूँ इसे, दिखाता हूँ। ये आदमी घूमे जा रहा, लठ तो घूम ही नहीं रहे। लठ का घूमना नहीं, मास्टर का घूमना जरूरी है। घूमते रहो मास्टर। ऐसे ही घूमते रहो, अभी आता हूँ। क्या हुआ मास्टर, रुक क्यों गए? ये क्या डाल रहा है गिलास में? ये चाय वाले की तरह मेरे ऊपर फेंकेगा तो नहीं? सिग्नल मिल गया मुझे, सिग्नल मिल गया मुझे। चल बेटा गलती मारते हैं। क्या हुआ मास्टर, आप तो टेंट लगाने वाले तू थे। तू टेंट की बात कर रहा है, मेरी बैंड बजने वाली है। चल चल, बोला ना तुझे, चल अब... चल। माता जी, बेटा जी, बेटा जी, बेटा ग्रुप के साथ खड़ी होकर यहाँ क्या कर रही है? नागपुर में संगीत समारोह खत्म करके गाँव जा रही है। चाचू आता हूँ। माता जी ठीक है बेटा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपनी बहू को देखने आया था लेकिन ये वॉचमैन अंदर नहीं जाने दे रहा। वो थोड़ी जाने देंगे, देखना चाहते हैं। इसीलिए तो अपने गांव से यहाँ पर आया हूँ। वो जो ऑरेंज ड्रेस में है ना, वही है। अरे बाप रे, इतनी मोटी, ये क्या है शक्ति? ये तो मेरे उम्र की लगती है। इससे तू शादी करेगा? मुझे नेचर है, उसके बाल कल है ना जो सफेद दुपट्टा डाले हुए हैं। अच्छा वो, वाह वाह वाह, बिल्कुल महालक्ष्मी की तरह है, हमारे खानदान के लायक है। माता जी, विजयनगर में बस वाले के साथ झगड़ा हो गया है, इसीलिए आज बस नहीं चलेगी, सब लोग पैदल ही निकलो। ये क्या हुआ, अब हम क्या करें? ए शक्ति भाई, हम लोग इनके साथ चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। हां मुझे जी सही कह रहा है, मैं भी तुम्हारे साथ पैदल चलूंगा। अरे गाड़ी रमेश की दुकान पर रखवा देते, चलो मुझे चल। अरे सुनिए माता जी, हाँ। इस तरह चुपचाप चलने से क्या फायदा, कुछ गाना वाना ही सुना दो। सुना दूंगी पर कौन सा सुनाऊं? अरे वो प्यार मोहब्बत वाला होता है ना, उस टाइप का सुना दो। ओए इधर आ। क्या हुआ, क्या काम है? अरे अभी तो चला रहा हूँ, तुम्हें जल्दी है जो बार बार हॉर्न दे रहा है। अरे मेरी क्या गलती जो मुझे मार रहे हो, तुमने रास्ता नहीं दिया इसलिए मैंने हॉर्न बजाया। मोती नगर वाले मालिक से झगड़ा कर रहे हैं, चलो। क्या हुआ मालिक, क्या बात है? अरे किसने मारा, बोलो किसने मारा? अरे बोलो। मैंने मारा इसे। अप्पू मैं तुम्हें मार नहीं सकता क्या? जाओ जाओ जाओ, सभी लोग जाओ, अपना काम करो। चलो चलो, किसी मोती नगर वाले ने मारा होता तो हाथ काट देते उसके। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस ऊपर वाले ने हम सबको प्रचार के लिए जाना है, तुम्हें याद है ना? पर कल मेरी प्रैक्टिकल क्लास है पापा, कि हम इस जीवन का सही उपयोग करें, इसलिए मैं। जय मां शेरावाली, आजा मेरी धनलक्ष्मी, शक्ति बाबू के नाम पर एक कार्ड उठा कर दो बेटा, उनकी पढ़ाई के बारे में, कामकाज के बारे में, घर द्वार के बारे में। वाह वाह, ये हुई ना बात। ये तो मदर मेरी की फोटो आ गई। हे भगवान, ये क्या मदर मेरी की फोटो आई है, लगता है आपके घर में मदर मेरी खुद आने वाली हैं। ये क्या बात हुई, शक्ति के नाम पर बजरंग बली का फोटो आना चाहिए था, ये मदर मेरी का कैसे आ गया?
अब जो आया है वही तो बताओ ना। छोड़ो, तुम्हारा तोता गलत बताता है। तोता सही कह रहा है, आप गलत समझ रही हैं, है ना शक्ति? चाचू तुम भी ना, चुप रहो। उसे रहने दो, ये है ना इसके नाम का कार्ड निकालो, सबको बेवकूफ बनाता है। इनके लिए कार्ड निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनका चेहरा ही देखकर बता सकता हूँ। क्या बता दे करे? तुम्हारे दिन ठीक नहीं चल रहे हैं, तुम्हारे ऊपर घर का ही पत्थर गिरने वाला है। देख लो गिर गया ना, मेरी बात मान लो। तुम में भयंकर जंतु दोष है, अगर बाहर जाते समय तुम्हें कोई कुत्ता दिख जाए तो फटाफट अपनी लुंगी उतार लेना, नहीं तो वो तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। तू मुझे डरा रहा है? डरने की आवश्यकता नहीं, उपाय है मेरे पास। क्या उपाय है? कल आधी रात को मेरे घर के पीछे आकर मुझसे मिल। मुंह क्यों छुपा रही हो? किसी ने देख लिया तो? ए जोसेफ, मैं डेविड बोल रहा हूँ। सोना नगर के थिएटर में अपनी एंजेल और शक्ति दोनों साथ में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। हाँ जल्दी आ जाओ। यहीं पर बैठे थे दोनों, कहाँ रहे अंदर? बोलो, एंजल के बारे में गलत बोलेगा तो समझ ले। बोल रहा हूँ मैं, मैंने उन दोनों को देखा था। कहाँ चलेगा बोलो? इंटरवल में देख लेना तुम। ए, उधर देख। ए, एंजल कहाँ है? चिल्ला क्यों रहे हो? घूमने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करो। बालकनी में देख लिया, वो स्टॉल में बैठी है, जाओ ढूंढो। पॉपकॉर्न खाओगे? चलो बता रहे, कहाँ पर देख कर गया था? बोल, देखा था मैं। बोल रहा हूँ, देखा था मैं। तुम्हें देखने आए क्या? अरे हटो सामने से, 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 सामने से। एंजल इतनी देर कहाँ थी तुम? जवाब दो, कहाँ थी तुम? मैं क्लास में ही थी। झूठ बोल रही हो। ए निर्मला कहाँ गई थी? ये तो क्लास से निकले नहीं। सब लोग मिलकर इसका साथ दे रही हो ना? गांव चलो, सबको देख लूंगा मैं। क्या है, झगड़ा करने के अलावा और कोई काम नहीं क्या तेरे पास? ये मेरी बहन है और ये मेरे गांव की लड़की है, इनसे कुछ भी कहूँ, तू जाके अपना काम कर। ए, तेरी बहन है तो घर में बात कर, गांव की है तो गांव में बात कर। दोबारा क्लास में घुसाना, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ए! कल तेरी आंखों के सामने तेरी बहन को ले जाऊंगा, जो भी करना है तुम्हें कर लेना। ये सब तेरी बहन का किया कर रहा है, चाचा जी को बताते हैं। हम मुंह से बोलेंगे तो कोई भी नहीं मानेगा, इसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। ओम कर्म कर राम करो दलम। ये इधर उधर थूक क्यों रहे हो? मुंह बंद रखो, कुछ मत बोलो। ये दीपक पकड़ो और इसे बुझाए बिना निर्वस्त्र होकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ। निर्वस्त्र होकर? हाँ। ये क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? अगर तुम उपाय करोगे तो बचोगे, नहीं तो बहुत पछताओगे तुम। उतारो लूंगी, चलो उतारो। भगवान कहीं कोई बाहर ना पाए, मेरी रक्षा तुम्हारे ही हाथों में है। ये तो वही वाला लगता है। बुलेट पांडे सामने से आ रहा है, फिर भी रास्ते में खड़ा है। हट। उस दिन मुझे मारा था ना? हे भगवान, मैंने लोगों से बचाने की प्रार्थना तो तुमसे की थी, लेकिन कुत्ते से बचाने के लिए कहना भूल गया था। मुझे बचा ले भगवान, आज ये मुझे छोड़ेगा नहीं लगता है। मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। अरे छोटे ना, काट लिया, मर गए रे। ले गया, काट का गया। अरे माँ, थोड़ी सी भी दया नहीं दिखाई, मेरा सब कुछ चबा डाला इसने रे। वो देखो जोसेफ सिक्योरिटी वाले की तरह खड़ा है। बेचारे की सिक्योरिटी की नौकरी पक्की, उसे पता नहीं वो धोखा खाने वाला है। गेट पे कौन खड़ा है? उतरने दो भाई, अब चढ़ जाओ। ए, ए, एंजल उतर कर भाग रही है, चलो जल्दी चलो। ए माँ, एक फोन करना कर लो। चाचा जी, हाँ बोलो। मैं जोसेफ बोल रहा हूँ।
किसी भी तरह आज उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना ही है। चल बैठ। मदनपुर वाले उतरो। बढ़ाओ। ए, बस रोको। क्या हो गया भाई, बस क्यों रुकवाए? लगता है कोई बात हो गई इसलिए बस रुकवाई है। है? देख लो चाचा जी, वो नहीं है, चली गई उसके साथ। पापा? तुम आओ बेटी। हाँ पापा। नहीं चाचा जी, वो उसके साथ साइकिल पे गई थी, मैंने खुद देखा था। दोबारा अगर मेरी बेटी के बारे में उल्टा सीधा बोला ना तो निकल यहां से। फोन करके बोल। पहुंच गया तू? सॉरी जोसेफ। बहन भाग जाएगी तो गुस्सा तो आता ही है, पर वो तेरी सगी बहन नहीं है, इसलिए तुझे थोड़ा उससे दूर ही रहना चाहिए। वक्त है, समझ जा। मैं और एंजल सच्चा प्यार करते हैं, तू हमें मिलने से नहीं रोक सकता, यही दिखाने के लिए ये सब किया है। तो आगे से हमें परेशान मत करना, ओके? बाय। मास्टर, ये कमर में टोकरा बांध के क्यों घूम रहे हो? मजाक लगता है, कभी कुत्ते ने नहीं काटा। ये किस लिए है? अरे लुंगी से जख्म बार बार हरा हो जाता है और इसकी वजह से नीचे खुला खुला रहता है। बार बार पत्तियों से ये क्या कर रहे हो? मक्खियां भगा रहा हूँ। मास्टर, अब क्या मैं साथ में चलूं क्या? नहीं नहीं मास्टर, जहाँ भी जाओ मुझे अपने साथ में लेकर जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई तू है। साथ में ना रहे, बस इसी में मेरी भलाई। तू रुक। ये क्या हो गया? लगता है कुत्ते ने ज्यादा ही नुकसान पहुँचाया। ये तो मामा, देखो इसी ने तुम्हें मारा था ना। सामने से हट, सामने से हट। तेरी इतनी हिम्मत कि बुलेट पांडे तुझसे कह रहा है और तू खड़ी हुई है? मैं दिखाता हूँ तुझे। हट हट सामने से हट। बदतमीज, याद आया, ये बिल्कुल वही है। माँ, वो भागने वाला है, जल्दी से जाके मारो उसे। अरे आ रही है, आ रही है। अरे मुझे कुछ मत करना। अरे मेरी माता, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अरे पहले से ही मुझे एक गाँव है, मेरे पीछे पड़ गई। अरे अरे कहाँ फंस गया आके मैं? हे भगवान, ये तो मेरे ही पीछे आ रही है, मेरे पीछे छोड़ ही नहीं रही है। अब मैं किधर जाऊँ? रास्ता खत्म। भाई उसे वहीं टपका डालना था। उसके ऊपर हाथ डाला तो गांव में हल्ला हो जाएगा। सबसे पहले चाचा जी को समझाना है कि एंजल गलत है। कौन बोल रहा है? हेलो हेलो, इस समय किसे फोन कर रही थी? हेलो, कौन बोल रहा है? फोन आपने किया है, आप बताइए आप कौन बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं पहले ये बताइए। अरे भाई, फोन करने पर कहते हैं, मैं फलां बोल रहा हूँ, फलां से बात करनी है। जब बात करनी नहीं आती तो फोन क्यों रखते हो? बात करना तू मुझे सिखाएगा? कौन बोल रहा है तू? ओए, ज्यादा बकवास की तो दांत तोड़ दूंगा। रख फोन। ए अल्बर्ट जी, कल रात को 10 बजे मैंने एक फोन किया था, उसका नंबर अपने ऑफिस से पता लगा कर बताओगे? आपने फोन किया और आपको ही नंबर नहीं पता? जो कहा वो कर। ठीक है भैया। आ गए वो, लेकिन शक्ति कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये एंजल शक्ति को ढूंढ रही है। अरे भाई लोग, शक्ति को माता निकल आई है, इसीलिए वो आज कॉलेज नहीं आएगा, पता है ना? हाँ पता है, पता है। निर्मला बाय। चलो शक्ति को देखने चलते हैं। ये लो, अर्जुन नगर की बस आ गई। चलो। इसमें बर्फ नहीं डाला है भाई। ए, 9 बजे वाली बस जल्दी चली गई, गांव की लड़कियां नहीं दिखाई दे रही। 9 बजे की दूसरी तरफ की बस आई थी ना, उसमें चले गए सब। क्या दूसरी तरफ चली गई? ए गाड़ी निकाल। यही है शक्ति का घर, गेट तो खुला हुआ है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। कौन है आप लोग? हम शक्ति के साथ कॉलेज में पढ़ते हैं,
पता चला वो बीमार है तो। अच्छा पर आए कहाँ से हो? मोतीनगर। मोतीनगर से? अरे बाप रे, कोई देख लेगा तो। चलो चलो अंदर चलो तुम लोग। आ जाओ बेटा। सभी तुम्हारी संतान है, इसीलिए हम प्रार्थना कर देते हैं कि अपने बच्चे को ठीक कर दीजिए प्रभु। नमस्ते प्रेम। नमस्ते बेटा, कैसे आना हुआ? सुना है शक्ति की तबीयत खराब है, उसे देखने आया हूँ। बुरी आत्माओं से इसकी रक्षा कीजिए प्रभु। कौन है जी? मोतीनगर के विल्सन का बेटा है, शक्ति को देखने आया। नहीं जी, बच्चे को माता आई हुई है, कोई पास नहीं जाएगा। बेचारा दूसरे गाँव से आया है, पैर धोकर जाने दो। कहा ना, नहीं जा सकते। मेरी बहन अंदर गई है, उसे जाने दे सकते हो तो मुझे क्यों रोक रहे हो? मोतीनगर वालों को बेवकूफ समझा है क्या? मुझे अभी अंदर जाना है। बेटे बेटे एक मिनट, इधर आओ। हे प्रभु, आपसे हम इसे रोक करने की प्रार्थना करते हैं। आमीन। तुम्हारे गांव के लोग बाहर खड़े हैं, पीछे के रास्ते से निकल जाओ। तुम लोग मेरे साथ चलो। देखो जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, वो नहा लेगा तो उसे मिल लेना। देखती हूँ मेरे सामने कौन आएगा, अगर कोई आया तो काट डालूंगी, बाद में समझ लेंगे। वो आवारा लड़की अंदर है। लड़कियों के बारे में गलत शब्द नहीं, अर्जुन नगर में हो तमीज से बात करो, समझे? क्या हुआ, कौन है अंदर? शक्ति के साथ पढ़ने वाली लड़कियाँ शक्ति को देखते ही सब घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगी, देखकर मेरा तो दिल भर आया। बच्चों का मन साफ होता है, इसीलिए दुश्मनी भूलकर साथ पढ़ने की वजह से यहाँ चली आई। लेकिन बड़ों को चाहे कितना भी समझाओ, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। अरे किसने किया, किसने किया ये? मुझे बताओ किसने किया? हराम खोरों, मैं छोड़ूंगा नहीं, जिसने भी किया होगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। किसने किया बोलो, बताओ मुझे, बताओ। मास्टर, मास्टर आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मेरी तस्वीर किसने बदली? माफ करना मास्टर, मैंने बदली। क्या तूने? आपको दुनिया भर की नजर लगी हुई है और आप पे जानवर कुछ ज्यादा ही अटैक कर रहे हैं, वो संकट दूर हो इसलिए ऐसा विचित्र फोटो मैंने लगाया है। लट के साथ ना बना के सिंहों के साथ बनाया है। देखो इतना ही नहीं, भोले बाबा के पास कांवरिया लेकर दर्शन करने जाओगे ये मन्नत भी मांग रखी है मैंने। बंधु तुझे मुझसे इतना प्यार है? हाँ मास्टर। तुझे देखकर अब मुझे भी रोना आ रहा है, रोना आ रहा है। मुझसे भी नहीं रहा जा रहा है मास्टर। क्यों रे? आप मेरे पैरों पर जो खड़े हो। बाप रे। हेलो शक्ति, तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई? हाँ, तुम लोगों ने मेरे लिए प्रेयर जो की, थैंक्स एंजल। दो दिनों में कॉलेज तो आ जाओगे ना तुम? हाँ आ जाऊंगा। ठीक है, अभी जोसेफ देख रहा है, बाद में करती हूँ। ठीक है। तो अब उससे फोन पे भी बातें होने लगी हैं। रोक अभी बताता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? ए, फोन तूने किया है और मुझे पूछ रहा है कौन है? चल फोन रख, फोन रख। हेलो, कौन बात कर रहा है? दोबारा पूछता है कौन है? अकल नहीं क्या तेरे को? उल्लू के पट्टे, फोन रख। इस समय किसे फोन किया इसने? चेहरा उतरा हुआ दिख रहा है इसका। हेलो, कौन बोल रहा है? क्यों रे, अबे कितने लोग हैं तुम्हारे घर में? पुलिस स्टेशन फोन करके पूछते हैं कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? पागल हो गए हो क्या? फोन रख नीचे, पता नहीं कहाँ कहाँ चले आते हैं। रख फोन नीचे, फोन रख। इन्होंने इस वक्त किसे फोन किया? इतनी टेंशन में क्यों है? हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? अब औरत क्या आवाज बोल रहा है? अरे पागलों का परिवार है क्या? नंबर निकाल के रख लिया है मैंने, कल पूरे परिवार को हवालत की हवा खिला दूंगा। रख फोन। अरे क्या कर रहे हैं? ये न्यूज़पेपर क्यों फाड़ रहे हैं? वो क्या रहा है इस घर में? हैं? इंडियन एक्सप्रेस की जगह हिंदू आया है, सब गलत हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल रात हर कोई 10 बजे पुलिस स्टेशन क्यों फोन कर रहा था? बात इससे कैसे पता? मेरे घर के लोग मैं किसे फोन कर रही थी ये पता लगाने के लिए पुलिस स्टेशन फोन कर रहे थे। अच्छा ये तो बताओ ये बाइक किसकी है? मेरे दोस्त मोहन की। अरे मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। कोई बात नहीं, नदी किनारे जा रहे हैं ना, वहाँ धो लेंगे। चलो शक्ति अब चले। अप्पू सामने अपना शक्ति आ रहा है ना? जी हाँ मालिक, छोटे मालिक छोटे मालिक है। बाप रे सामने पापा है। साथ में तो एक लड़की भी है। अब क्या करें? ये तो सुसेन की बेटी है। अब यहाँ से पैदल जाओ। रुको बेटी। ये लड़की यहां से अकेले घर नहीं जाएगी, तुम छोड़कर आओ। पढ़ने की उम्र में इस तरह लड़कियों के साथ घूमने से पढ़ाई पर असर नहीं होगा क्या? इसके अलावा उसे गांव से बाहर ले गया था वो। अगर कहीं रास्ते में उस लड़की को कुछ हो जाता तो इल्जाम हमारे ऊपर आता ना। अगर मोतीनगर के किसी आदमी ने देखा होता तब तो फसाद हो गया होता। सिर्फ इतना ही नहीं, ये लड़का कपूर लेकर मंदिर जाता है और वो मोमबत्ती लेकर चर्च जाती है, कैसे होगा ये मेल? कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं ये मानता हूँ कि भगवान कृष्ण ने पांचाली की इज्जत बचाने के लिए उसे हजारों मील लंबी साड़ी से ढका था, तो ये भी मानता हूँ कि प्रभु यीशु ने हजारों बच्चों की भूख मिटाई। बचपन में शक्ति को जब माता आई थी तो मस्जिद में जाकर तुमने ही तो झड़वाया था, वो भी मानता हूँ। आस्था की जगह अलग हो सकती है पर भगवान तो एक ही होता है ना, सब उसी की पूजा करते हैं। मैंने भी सोच रखा था कि हमारे घर की जो बहू होगी वो सिर में सिंदूर लगा के माथे पे बिंदी लगा के मेरे साथ मंदिर जाएगी, लेकिन अब उसका हाथ पकड़कर हम कहीं और ना चले जाएं इस बात का डर लगता है। हाँ जी, उस दिन जब वो उसे देखने आई थी तो कहा था कि साथ में पढ़ती है, मन को अच्छा लगा था, पर अब जब पता चला है कि वो साथ रहेगी तो डर लग रहा है, कहीं हमारा लड़का हमें छोड़कर चला तो नहीं जाएगा। कैसी बात कर रही हो माँ तुम? मैं तुम्हें छोड़कर भला क्यों जाने लगा? वो लड़की अच्छी लगी तो प्यार कर बैठा, पता होता कि तुम इस तरह रोगी तो उसे देखता भी नहीं माँ। अब भी तुम मना कर दो मैं उसे भूल जाऊंगा। तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है माँ, लेकिन वो भी तुम्हारी तरह बहुत अच्छी है माँ, कभी किसी का दिल नहीं दुखाती वो। मोतीनगर में अगर किसी का दिल साफ है तो वो सिर्फ एंजल ही है माँ, मेरा विश्वास करो माँ। ये बात बाहर पता चली तो दोनों गांव में झगड़ा हो जाएगा, तुम्हारे पिता बहुत गुस्से वाले हैं, वो तुम्हारी जान लेना पसंद करेंगे पर मेरे बेटे से शादी नहीं करवाएंगे। इतना सब जानते हुए भी तुम्हें इसी से शादी करनी है, इस बात पर हमेशा अटल रहोगी? जी मैं रहूंगी। तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने तक इस तरह घूमना बंद करके पढ़ाई पर ध्यान देने के बाद अगर तुम दोनों का प्यार जिंदा रहा तो फिर चाहे कोई भी हो, कितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो, हर हाल में मैं तुम दोनों को जरूर मिलवाऊंगा। तब तक मेरा कहा मानोगे, इस बात का वादा करो। जय जय बोलो रे ओ बम बम बोले की, जय जय बोलो रे ओ बम बम बोले की, द्वार तुम्हारे आए देखो भक्त सारे रे। जय जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोले बाबा, जय भोले बाबा, बम बम बोले की, जय भोलेनाथ की, जय बोलो, जय हो शंकर की, जय शंकर की। ए बुलेट पांडे, तुमने मुझे मारा था ना? इतना बड़ा शरीर रखकर भीख मांगकर बिस्किट खाता है, आगे भी मांगेगा? बोल मांगेगा, मांगेगा, बोल। आ,
आज तो तू गया बेटा। अरे अरे ये तो वही वाला हाथी है ना, अरे भागो मुझे जाने दो, भागो। अरे एक एक करके सारे जानवर मुझसे लपला लेते जा रहे हैं, क्या करूं, किसके पास जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो कुचल लेगा। अरे अरे यही पानी में छलांग लगा दे बुलेट पांडे। अरे पानी में कौन घुस गया भाई, अरे पानी में मगरमच्छ है। मगरमच्छ कहाँ पर? मगर इसके साथ तो मैंने कोई छेड़खानी नहीं की। इसे तो समझ में आएगा नहीं, आप ही फैसला कर दीजिए प्रेमनाथ जी। हाँ मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं कुछ नहीं जानता। ज्यादा बकवास करेगा तो दांत तोड़ दूंगा। हाँ हाँ बड़ा यार दांत तोड़ने वाला, जैसे सब लोग चूड़ियां पहनकर बैठे हो। ए, क्या कहा तुमने अभी? मैंने नहीं चाचा जी, उस आदमी ने कहा। इसे अभी 50,000 रुपए दे दो, इन रुपयों से कोई धंधा शुरू कर लो। क्या कहा उसने? उसने कहा ज्यादा बकवास करेगा तो दांत तोड़ दूंगा। कैसे आना हुआ भैया? उस दिन एक नंबर पूछा था ना, अभी देखता हूँ भैया। आइए। नमस्ते सर। उस दिन मैंने एक नंबर पूछा था ना, बताओ वो नंबर कौन सा है? टू थ्री डबल जीरो डबल सिक्स, ये तो अर्जुन नगर का नंबर है। हेलो, प्रेमनाथ का घर है। hey, कौन है जो प्रेमनाथ जी को नाम से बुला रहा है? प्रेमनाथ जी का नाम इज्जत से ले, कौन बोल रहा है रे? माइकल सुजैन। जोसेफ, आगे से मेरी बेटी के बारे में उल्टा सीधा बोला तो मैं छोड़ूंगी। मेरी बात सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। चाचा जी को बोलता हूँ तो वो भी मुझे ही थप्पड़ मारते हैं। है, तो कहना क्या चाहता है? मुझ पे विश्वास नहीं करोगे तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे तुम पर विश्वास है। एंजल, मेरे पापा सही कह रहे थे, मुझे भी ये सब गलत लग रहा है। इस तरह कॉलेज छोड़कर घूमना सही बात नहीं है। अगर हम दोनों को तुम्हारे पापा ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, दोनों गांव के बीच झगड़े शुरू हो जाएंगे। गांव वाले कटकर मर जाते तो भी मैं तुम्हारी ही रहती, ये बात अगर मेरे घर वालों को पता चली तो तुम्हारी माँ की तरह मेरी माँ भी रोएगी ना। माँ बाप को रुलाकर और उनका अपमान करके, नहीं शक्ति नहीं, पहले अपने माँ बाप की अच्छी संतान बनकर दिखाते हैं। देखने और बात करने को ही प्यार नहीं कहते, असली प्यार होता है दिल से याद करना। एंजल, अगर हम दोनों का कभी मिलन नहीं हो पाया तो मर जाऊंगी, सच में मर जाऊंगी मैं, अगर तुम ना मिले तो मर जाऊंगी मैं। हम जरूर मिलेंगे एंजल, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, भरोसा करो, हिम्मत रखो। चलती हूँ। ए, रुक बे, कॉलेज के अंदर पैर रखा तो काट डालूंगा। क्यों बे, प्यार मोहब्बत करने के लिए कॉलेज आते हो क्या? ए, ये तेरे बाप का रास्ता है क्या? रास्ता छोड़, हम लोग को जानता नहीं है, इज्जत से रास्ता छोड़ दे। आ जाओ, आ जाओ, झगड़ा मत कर, हमारा रास्ता छोड़। कौन है रे जो कॉलेज में गुंडागिरी कर रहा है? कौन है बता, आज चाहे जो भी हो देख लेंगे उसे। भाइयों, मेरा भतीजा ही पंगे ले रहा है। मोती नगर में प्यार करने का मतलब पंगा लेना होता है क्या? तो शादी को क्या बोलते होगे तुम लोग? मैरिज कहते हैं उसे। वहाँ खड़े खड़े क्या बोल रहा है? अगर हिम्मत है तो मेरे पास आ, कॉलेज का कैंपस है इसीलिए चुपचाप हूँ। दोनों साथ में घूमते थे ना, अगर हिम्मत है तो अपनी बहन को इसके साथ काट। जोसेफ, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? कॉलेज का गेट बंद के हंगामा कर रहे हो? नहीं सर, यही मेरी बहन के पीछे पड़कर झगड़े करता घूमता रहता है। शक्ति, क्या है ये सर? देखिए सर, ये दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे हाथ छोड़ मेरा, अब ये बात इससे हजम नहीं हो रही है। सर ये झूठ बोला सर। आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? ठीक है, इसकी बहन को बुलवाइए, पूछिए ये प्यार करते हैं कि नहीं, बुलाइए उसे यहाँ। चाचू, वॉचमैन एंजल को बुलाओ। एंजेल, ये जो कुछ कह रहे हो सब सच है क्या? बोल दे बेटी, तू इससे प्यार करती है, निडर होकर बोल दे। क्या हुआ बेटी, तू इससे प्यार करती है, बोल दे ना, मैं हूं तेरे साथ, चिंता मत कर। ऐसा कुछ नहीं है सर। ये क्या कह रही है? अब इस बात को लेकर के यहाँ पर कोई झगड़ा फसाद नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो जो भी इसका जिम्मेदार होगा मैं उस पर लीगल एक्शन लूंगा। बी केयरफुल।
उसने ये कैसे बोल दिया? मेरी एंजल ने मुझे भेजा है। एंजल ने यही कहलवाया ना कि उसने जो भी कहा सब झूठ था? नहीं, सब सच था। कहा उसे भूल जाओ कह रही थी वो। नहीं एंजल रुक जाओ, एंजल रुको। उस दिन कहा था मेरे बिना मर जाओगी, वो सब झूठ था। मर जाऊंगी, यही मर जाऊंगी, अभी मर कर दिखा दूं बोलो। अगर आगे से मुझे परेशान किया तो सच में मर जाऊंगी। वो बार बार एंजल को परेशान कर रहा है, ऐसे में वो पढ़ाई कैसे करेगी? मैं तो कहता हूँ उसका कॉलेज जाना बंद करवा दो। उससे क्या होगा, सूजे की लड़की बिगड़ गई है, ये बात पूरे गांव में फैल जाएगी। ए, कल मैं भी साथ जाऊंगा, उसने मेरी बेटी से बात की थी, उसे वही काट डालूंगा। ए, चल जा। ये बाप तो अकल का दुश्मन लगता है यार, अब ये लड़की अपनी इज्जत कैसे बचाएगी? पापा, जाइए पापा, मैंने भी तो गलती की थी ना, पहले मुझे मारिए पापा। ये तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है पापा, मैं ही पीछे हट गई हूँ। काट डालिए पापा, पहले मुझे काट डालिए। मैं पापा को कुछ ज्यादा ही बोल गई फादर, अब माफी चाहिए मुझे। एंजल तुमसे कुछ बात करनी है, हम सब साथ ही थे ना, तुम दोनों ने रजामंदी से ही प्यार किया था ना, शक्ति अब भी तुम्हें याद करता है, पर तुम ही उसे देख देख कर पीछे हटती जा रही हो। इतना आगे बढ़कर पीछे क्यों हट रही हो? अगर उससे गलती हुई है तो कम से कम उसे पता तो होना चाहिए। मेरी ही गलती है, परिस्थिति जाने बिना शक्ति से प्यार कर बैठी थी मैं ही गलत हूँ। ये क्या कह रही हो एंजल? उस दिन जब पापा मुझे कॉलेज से लेकर के निकले तो सीधे मुझे चर्च ले गए। आज की सभा में बैठे लोगों के लिए एक खुशखबरी, इस सभा में उपस्थित माइकल सुसेन की बेटी एंजल देवी को प्रभु यीशु की सेवा के लिए उसकी सहमति से नन बनाने का फैसला लिया गया है, और इस महान कार्य के लिए एंजल देवी चेन्नई इसकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अगले सप्ताह रविवार के दिन अपनी इच्छा के अनुसार यहां से विदा होंगी, इसलिए हम सब दोबारा इस चर्च में एकत्र होकर उसे यहां से विदा करेंगे। किससे पूछ के आपने मेरी बेटी को नन बनाने का फैसला किया? मन्नत मांगी थी। मुझे बिना बताए मन्नत मांग ली आपने? आप झूठ बोल रहे हैं। वो जब दूसरी कक्षा में थी और ऊपर छत से नीचे गिर गई थी तभी मन्नत। मेरी बात सुनिए, इसका उस लड़के से प्यार करना मुझे भी पसंद नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, इसे किसी भी तरह से मैं समझा लूंगी, अपने ही धर्म के किसी लड़के के साथ इसकी शादी कर देंगे। आपके दिमाग में इसे नन बनाने का विचार आया भी कहां से? अगर ये अपनी बेटी होती तो ऐसा करते क्या? कहीं और से ला कर पाला है इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं ना? आपको जो सही लगता है आप वो करते हैं, ऐसा क्यों किया आपने? क्यों? क्या बोल रहे हो? क्या बात कर रही हो? मैंने क्या किया? और तुम बात कर रही हो? क्या तुमने क्यों कहा? क्यों बोला तुमने ये सब? पापा, पापा प्लीज रुक जाइए। माफ कर दो, मुझे माफ कर देना बेटी, मुझे माफ कर दो, जो बात मैंने आज तक तुमसे छुपा कर रखी थी। बेटी, तू हमारी सगी बेटी नहीं है, पर मैंने तुझे अनाथ की तरह पाला, मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह पाला है। बेटी तू मेरी बात मान लेगी, इसीलिए मैंने ऐसी मन्नत रखी थी। बेटा मेरी बात मानेगी ना? मानेगी ना? नहीं मानेगी, ठीक है, पाला ही तो है, पैदा नहीं किया है ना, तो फिर मैं क्यों तुम्हारी बात मानू? जाओ, जिसके साथ भी भागना है भाग जाओ, चाहे जिस भगवान की पूजा करनी करो। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगी पापा, इस जन्म में आप मेरे पिता है ना, मैं आपकी बात मानूंगी, आप जो कहेंगे वो मानूंगी पापा। एंजल, ये सब झूठ है एंजल, तब तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरे पापा जीसस के नाम पर कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें शक्ति से मिला देते हैं, उसके बाद चाहो तो दोनों गाँव छोड़ देना। नहीं, सब कुछ छोड़ कर आ जाती मैं प्यार के लिए, लेकिन मेरे पापा मुझ पर इतना ज्यादा विश्वास करते हैं, ये देखकर मुझे उनकी जगह प्यार को छोड़ना ठीक लग रहा तो है। शक्ति भूल गई कह दो उसे। सुनो रॉबर्ट जी, फादर जाकर सुसेन को बुला कर ले। बुलाता हूँ फादर। फादर मुझे बुलाया आपने? फादर
फादर ये क्या कर रहे हैं आप? फादर तुमने कहा था अपनी बेटी को नन बनाने की मन्नत की थी तुमने, क्या वो सच है? छोड़िए फादर, मैं बताता हूँ, छोड़िए। इनके पैरों पर हाथ रखकर बोलो, तुम जो बोलोगे सच बोलोगे। मैंने झूठ ही बोला था। एंजल का दूसरे धर्म के लड़के से प्यार करना मुझे पसंद नहीं है। ये बात तुम एंजल को भी बता सकते थे। बताने पर भी मानने वाली स्थिति में वो नहीं है। उसका मन बदलने के लिए मुझे और कोई रास्ता नहीं सूझा। अब दो दिन के अंदर उसे शहर जाना है। उसका लेटर आपको ही देना है। उम्मीद है आप इसमें रुकावट नहीं डालेंगे। आपने कहा था कि ये आपकी बात मानेंगे तो आप इन्हें मिलवा देंगे, वो बात पूरी कीजिए। मुझे मेरा बेटा खुश चाहिए। हाँ भैया, आप जाकर बात करेंगे तो बात बन जाएगी। नमस्ते। नमस्ते। अब तैयार हो गया? यहाँ पर क्यों आए हो? वो हमारे चुप रहो। सुनो, तुम अपने लड़के के बाप हो ना, तो यहाँ क्यों आए हो? कुछ नहीं सुनना मुझे, मेरी बेटी जरूर नन बनेगी, ये मेरी मन्नत है। मेरी बात तो सुनो सुजय, क्रिश्चियन धर्म हमारे धर्म के बारे में तू क्या जानता है? सब धर्मों के बारे में जानता हूँ मैं। भगवत गीता के साथ कुरान और बाइबिल भी पढ़ी है मैंने। जबरन किसी से भगवान की सेवा करवाना कोई धर्म नहीं कहता। मैंने मन्नत मानी, मेरी बेटी मान गई, तू कौन होता है रोकने वाला? ये तुम जानते हो कि दोनों प्यार करते हैं, दबाव की वजह से वो इनकार कर रही है। जो बच्चे हम पर विश्वास करते हैं उनको हम क्यों दुखी कर रहे हैं? अब अगर आगे तुमने कुछ कहा तो मैं नहीं सहूंगा। चले जाओ यहाँ से। सुसे, धर्म के लिए अपनी बेटी की जिंदगी खराब। हाँ मुझे धर्म चाहिए, मैं ऐसा ही करूंगा। तू बाहर निकल, निकल यहाँ से। मुझे धर्म चाहिए, मुझे धर्म चाहिए बोलता रहेगा तो खाने को अनाज भी नहीं मिलेगा। धान बोने वाला कोई, काटने वाला कोई और बेचने वाला कोई और। अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं तब खाने को अनाज मिलता है हमें। इतने सारे लोग शामिल हैं तो खाना छोड़ दोगे क्या? यही नहीं, इसी चर्च का खाना खाया है मैंने। सावन में मंदिर का प्रसाद तुमने भी तो खाया है। भूख के सामने ये सब पाप नहीं लगा तुम्हें? हैं? अब भूख नहीं है तो पाप के सामने धर्म आ रहा है धर्म। औकात बढ़ जाए तो पहनावा भले ही बदल लो, पर खुद को कभी मत बदलो। जब पसंद नहीं आ रहा तो खड़ा क्यों है? चिल्लाकर पूरे गांव को इकट्ठा करना चाहता है क्या? क्यों भाई सूसे, प्रेमनाथ जी जो कह रहे हैं वो सच है क्या? तुम्हारी जिद का सही कारण धर्म है तो बोलो। अपने बेटे का धर्म बदल देता हूं मैं। भगवान के लिए मिलने दूर है। भैया वो कह रहे हैं कि अपने लड़के का धर्म परिवर्तन कर देंगे वो, तो फिर आपको दिक्कत क्या है इसमें? ओ भाई, ये मेरे परिवार की बात है, मेरे और मेरी बेटी के बीच की बात है, इस बारे में बोलने का किसी को हक नहीं है। यहाँ खड़े हो क्या हुआ बेटा? तुझे शर्म नहीं आती? अर्जुन नगर में सारे बेशरम है क्या? क्या बोला तूने? ए! शक्ति, शक्ति, छोड़िए पापा, छोड़िए, लोगों को उनके बीच छोड़ने की जरूरत नहीं है। शक्ति छोड़ दीजिए पापा, कोई आगे कदम नहीं बढ़ेगा। रुक जाओ, आप छोड़ दीजिए ना, रुक जाओ, यहीं पर चलूंगा उससे। शक्ति, शक्ति शांत हो जाओ, जाओ, जाओ तुम सब। कौन बुरा है कौन भला है ये जाने बिना सबको काट डालो। पत्नियों की मांग से सिंदूर उजड़ जाए, सारे बच्चे अनाथ हो जाए, लेकिन तुम सब जाओ, जाओ सब। प्रेमनाथ जी ये क्या कर रहे हैं आप? आपके हाथ से खून बह रहा है ये देखकर भी हम चुपचाप बैठ रहे हैं? हो जाइए आप। दोनों गांव को मिलाने का अब यही एक आखिरी मौका है, आप सब मेरा साथ दीजिए। कौन नहीं चाहता कि दोनों गांव वाले मिल जाए? लेकिन मोती नगर वाले यहाँ। अगर मेरी इज्जत करते हो तो बिना बहस किए यहाँ से वापस जाओ, जाओ। कहा ना, जाओ।
ए, तेरा बाप तेरे लिए जरूरी है ना, तो मुझसे प्यार क्यों किया? मर जा, अभी मर जा, यही मर जा, मैं भी साथ में मर जाऊंगा। माँ जी विश्वास कीजिए, इस परिवार को अपमानित करने या तोड़ने के लिए मैंने इसे प्यार नहीं किया, सच कह रहा हूँ। आपकी लड़की को मैं हमेशा खुश रखूंगा। भगवान के लिए इसे शहर जाने से रोक लीजिए। मेरी बात सुनो बेटा, इसे यहाँ से ले जाओ ये कहने की मेरी हिम्मत नहीं है, ये भी ऐसा नहीं कर पाएगी। देखो बेटा वो आ गए हैं, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। रुको, पीछे से चले जाओ। चुप है, बाप सामने के रास्ते से आया था और तू पीछे के रास्ते से आया है। तुम लोगों को शर्म लिहाज इज्जत नहीं है क्या? तुझे तो मैं अभी काट डालता, पर अपनी बेटी को दिए वादे की वजह से अब तक चुप हूँ। निकल जा, निकल जा। अभी भी मैं इसके दिल में हूँ, मरते दम तक रहूंगा। इसे कहते हैं प्यार, मुझे अपने प्यार पर विश्वास है, ऊपर वाले पर भरोसा है। एंजल शहर नहीं जाएगी, नहीं जाने दूंगा मैं। ए शक्ति, तू डर क्यों रहा है रे? कल सुबह चर्च में जब फादर को सब सच बताएंगे तो उसे जाने से रोका जा सकता है, तू चिंता मत कर। कल अर्जुन नगर के लोगों के कदम हमारे गांव में नहीं पड़ने चाहिए। ठीक है चाचा। साहब आप इतनी रात को यहाँ? देख जोसेफ, तू मुझे जाने दे। हमने गांव के चर्च में नजरबंद लगाया है, बाहर का कोई आदमी अंदर नहीं आ सकता। तुम्हारे गांव आने पर यही कहा था ना, ये तो जानते हैं ना। बात करने का कोई फायदा नहीं, मैं जाकर गांव वालों को बुला लाता हूँ, तब तक तू चर्च के भीतर जाने का रास्ता ढूंढ। आगे बढ़ेगा तो पैर काट दूंगा। पहले मेरी बात तो सुन ले। अरे उस आदमी को बाहर जाने को कहो। सुसेन, चर्च में आए हुए को बाहर जाने को कहने का हक किसी को नहीं है। पर फादर वो दूसरे धर्म का। चुप। यहाँ इस सभा में उपस्थित एंजल देवी नन की शिक्षा लेने के लिए चेन्नई शहर जा रही है, इसलिए हम उन्हें विदा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ बैठे हुए लोगों को इस फैसले से खुशी हो रही होगी, ऐसा मुझे यकीन है। मैं खुश नहीं हूँ फादर, इसीलिए मैं इसे बाहर भेज रहा था। आप शांत रहो सुसेन। देखिए, चर्च में इस तरह आपस में झगड़ना ठीक नहीं है, क्या हमें बता सकते हैं आप खुश क्यों नहीं है? दीक्षा लेने के लिए ये जरूरी है कि उसमें खुद की इच्छा भी शामिल हो, पर यह लड़की अपनी इच्छा से नहीं, सुजे के दबाव में दीक्षा ले रही है। ए, अपनी बेटी के बारे में सोचना मैं जानता हूँ, फादर आप आगे का काम कीजिए। नहीं सुसेन, इस बारे में एक विरोध पत्र भी आया। जो सभा में उपस्थित नहीं है उसका विरोध पत्र मायने नहीं रखता फादर। सभा में उपस्थित व्यक्ति नहीं दिया है। सभा में उपस्थित किसने विरोध पत्र दिया? सामने आओ मेरे, मेरे खानदान से होकर मेरी पीठ पर वार करते हो, कौन है वो? सामने आओ, ये मेरी बेटी है, मैं चाहे इसे जहाँ भेजूं, जो चाहे वो करूं, कौन रोकेगा मुझे? मेरी बेटी कह रहे हो? ये बेटी तुमने पैदा नहीं की है, जानते हो ना? जानता हूँ,
ये बात मेरी बेटी भी जानती है कि मैंने उठाकर पाला है। अब बताओ। उठाकर पालना तो ठीक है, लेकिन ये लड़की आई कहां से है ये तुम जानते हो? 18 साल पहले की बात है, मैं और फादर दोनों राजनगर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में हमने एक एक्सीडेंट देखा। हमने एक बच्ची के रोने की आवाज सुनी। पास जाकर देखा तो उसके माँ बाप दोनों मर गए थे। बच्ची रोए जा रही थी। उस बच्ची को क्या पता था कि अब उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने बच्ची को उठा लिया। फादर ने मुझसे कहा, सुजे रोज चर्च में आकर प्रार्थना करता है, उसके कोई बच्चा नहीं है, अगर ये बच्चा हम उसे दे दें तो उसे बहुत खुशी होगी। मैंने बच्ची फादर को सौंप दी। उस दिन जो बच्ची मैंने फादर को दी थी वो यही है। उसके बाप का नाम था जाफर हुसैन, माँ का नाम था आयशा बीबी। मतलब ये हुआ, ये लड़की मुस्लिम है। चाहे ये किसी की बेटी हो, किसी भी धर्म की हो, मैंने तो इसे क्रिश्चियन की तरह पाल पोस करके बड़ा किया है ना। जब एक मुस्लिम की बच्ची क्रिश्चियन के घर पाली जा सकती है तो हिंदू की बहू नहीं बन सकती? क्यों बेटी, हर परिस्थिति का तुम डटकर मुकाबला करोगी, मुझसे ये वादा किया था ना, और अब इसके दबाव में आकर सब कुछ छोड़कर जाना चाहती हो? क्यों भाई सुसैन, एंजल ने इनसे वादा किया था ना कि वो शक्ति से प्यार करती रहेगी, तो फिर अब आप उस पर जोर क्यों डाल रहे हैं? गलत है सुसे, तुम्हें जिद नहीं करनी चाहिए। इस बच्ची का मन मत दुखाओ। भैया, आप जैसों की वजह से हमारा नाम खराब हो रहा है, हमारा धर्म बदनाम हो रहा है। देखिए, मेरे पापा के बारे में कुछ गलत मत बोलिए। मुझ पर अपने विश्वास की वजह से इन्होंने मुझसे ये बात आज तक छुपा कर रखी थी। मैं ही अपने रास्ते से भटक गई थी। इन्होंने तो मुझे इतना प्यार दिया है कि मेरे अपने पिता भी मुझे इतना प्यार नहीं देते। मैं इनका विश्वास नहीं तोड़ सकती। मेरे पापा ने मन्नत मांगी थी और अब मैं दीक्षा लेने जा रही हूँ। फादर, मैं तैयार हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्यों बेटी, अपने दिल में मेरे बेटे को रखकर तुम एक नकली दीक्षा लेना चाहती हो? तुम बाइबल को जितना मानती हो उससे कई गुना ज्यादा बाइबल को मैं इज्जत देता हूँ। अपने दिल से मेरे बेटे को बाहर निकालकर दिल से दीक्षा लेना चाहती हूँ, बाइबल की कसम खाकर कहो, बोलो। दूसरों के दबाव में प्रभु की सेवा करने वालों को यीशु अपना नहीं मानते। तुम्हें कसम खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पिता ने जो मन्नत की बात कही थी वो झूठी है। दूसरे धर्म के लड़के से तुम्हारा प्यार करना तुम्हारे पिता को पसंद नहीं आया, इसलिए तुम्हें उस लड़के से दूर रखने के लिए तुम्हारे पिता को झूठ बोलना पड़ा। सुसैन, मैंने कहा था ना, मेरे पास एक विरोध पत्र आया है। वो विरोध पत्र किसी और का नहीं, स्वयं तुम्हारी पत्नी का है। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला पापा? मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन सिर्फ आपके विश्वास के आगे मुझे कुछ और जरूरी नहीं लगा। अगर मैं आपकी सगी बेटी होती तो भी आप ऐसा ही झूठ बोलते पापा? हाँ नहीं बेटा। एंजल, अपना भविष्य अब तुम ही चुन लो बेटी, मेरी बात मान लो, उसके साथ चली जाओ बेटी, तुम उसके साथ खुश रहोगी। जाओ बेटी, मेरी बात मान लो, उसके साथ जाओ, जाओ, तुम्हारा भविष्य अब उस लड़के के साथ ही है।
जाओ बेटा। एंजल तुम जाओ, जल्दी करो। एंजल नहीं एंजल, एंजल अपने पापा की रजामंदी से आ रही हो ना, तो रहने दो। बताओ मैं इस गांव में ना घुस पाऊं, इसलिए इतने सारे लोग मुझे मारने आ रहे हैं। अगर हम तुम्हारे पापा के खिलाफ चले गए तो सब हमें दुश्मन की नजर से देखेंगे, दोबारा दोनों गांव में झगड़ा होगा। उस दिन तुम्ही ने कहा था ना कि माँ बाप को रुलाकर हम शादी नहीं करेंगे। जिस दिन तुम्हारे पापा का मन बदलेगा और वो हमें स्वीकार करेंगे, हम उसी दिन शादी करेंगे। माँ बाप का आशीर्वाद मिलेगा तभी हम खुश रह पाएंगे। हमें कभी खुशी नहीं मिलेगी अगर उनकी आत्मा दुखी होगी। तो मैं तुम्हें ले जाने नहीं आया था, तुम इस गांव से मत जाओ, सिर्फ इतना ही कहने आया था। तुम्हारा हमेशा इंतजार करता रहूंगा, चिंता मत करना। शक्ति बेटा रुको, मैं गलत था बेटा, तुम सब सही हो, मैं ही पापी हूं। एंजल को लेकर जाओ बेटा, तुम दोनों हमेशा सुखी रहो। धर्म के नाम पर तुम्हें अलग करना चाहा, जिसके लिए मुझे कहीं माफी नहीं मिलेगी। मेरी गलती की सजा सिर्फ एक ही है। नहीं जी, ऐसा मत कीजिए पापा। मौत। सुजे शांत हो जी। सुजे मेरी बात सुनो। आप रुको दीजिए प्रेमनाथ जी मुझे। ये क्या पागलपन कर रहे हो, दोबारा गलती कर रहे हो सुजे? तुम्हारे मरने के बाद ये लोग सुखी रह पाएंगे? धर्म का मतलब दिल को खुश रखकर दूसरों को सुख देना होता है, कष्ट देना नहीं होता। जैसे ही तुमने अपनी गलती मान ली, ऊपर वाले ने तुम्हें माफ कर दिया। अपने आप को दुखी मत करो, चलो नीचे चलो। नहीं प्रेमनाथ जी, मैं पापी हूँ। चलो भी भाई, चलो प्रेमनाथ जी। चलो।